नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साधना बत्रा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत आ रहे हैं। उनके आगमन की सूचना से दिन भर अधिकारी तैयारियों में लगे रहे। मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह और एडीजी राजीव सभरवाल ने बागपत पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि यहाँ अस्पताल सरूरपुर सीएससी सिसाना गाँव में सफाई और जल निकासी में जुटे रहे। वहीं एडीजी और कमिश्नर ने सिसाना गाँव पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री के आगमन के चलते भारी वाहनों का रूट परिवर्तित किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत जाएंगे और जिस तरीके से अगर बात करें तैयारियों की, तो तैयारियां तमाम जो तैयारियां होती हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और जिस तरीके से यहां रूट की बात करें तो रूट भी डाइवर्ट किया गया है, रूट भी आज प्रभावित रहेंगे। आपको बता दें कि आज जो दौरा रहने वाला है बागपत का, काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। तैयारियां जो होती हैं तमाम कर ली गई हैं और प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को वो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलेंगे। हालांकि उनकी मुलाकात को लेकर आलाकमान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। पंजाब कांग्रेस प्रधान का पद संभालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की आलाकमान से पहली मुलाकात हुई। बुधवार को दिल्ली में उनकी पहली मुलाकात पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी से हुई। और इससे पहले की बात करें तो मंगलवार को सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करते हुए पांच अहम मुद्दों को जल्द हल करने पर जोर दिया था। तेलंगाना के मेडचल में औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी में भीषण आग लग गई। कंपनी के कर्मचारियों की माने तो कंपनी के एक रिएक्टर में विस्फोट हो गया, जिसके कुछ समय बाद ही आग लग गई और कंपनी के अंदर काम करने वाले तीन कर्मचारी यहां आग में बुरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं एक कर्मचारी लापता बताया जा रहा है। हालांकि आग पर दमकल की छह गाड़ियों ने काबू पा लिया था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोच ने कहा कि वैज्ञानिकों को वर्तमान समय की कीट समस्याओं को ध्यान में रखकर ही अनुसंधान कार्य करने होंगे और यहां साथ ही ऐसे प्रबंधन उपायों की खोज पर बल दी जो कीटों को रोकथाम करे और यहां मनुष्य के स्वास्थ्य और वातावरण के लिए भी सुरक्षित हो। कुलपति ने कृषि महाविद्यालय के यहाँ कीट विज्ञान विभाग के वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम में वैज्ञानिकों से ऑनलाइन रूबरू होते हुए उन्हें भविष्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बदलते जलवायु परिप्रेक्ष्य फसलों पर कीटों की नई प्रजातियों का आक्रमण वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है और यहां किसान जागरूकता के अभाव में बिना वैज्ञानिक सलाह के फसलों में अंधाधुंध कीटनाशकों और रसायनों का मिश्रित छिड़काव कर रहे हैं, जो बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रहा है और इससे न केवल पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है बल्कि फसलों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है और किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। हरियाणा के फरीदाबाद की बात कर लेते, जहां बसेलवा कॉलोनी में रहने वाली करीब 18 साल की मंदबुद्धि युवती अचानक घर से गायब हो गई और करीब 5 दिन बीत जाने के बाद युवती का कोई सुराग नहीं मिला और घर से निकलते वक्त युवती को गली में देखे लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था, जिसके बाद आपको ये बता दें कि एक युवक भी उनके साथ दिखाई दे रहा था। और यहाँ परिजनों का इस मामले में ये आरोप है कि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उनकी बेटी को नहीं खोज रही है बल्कि युवती के गायब होने से पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ परिजनों ने एक युवक पर शक भी जाहिर किया है मगर पुलिस उसे बेकसूर बता रही है। वो घर से अपना बैग पैक करके वो घर से निकल जाती है सर। उसके बाद उसके 5 मिनट बाद मैं निकलता हूँ और उसको ढूंढता हूँ उसके पीछे ही, मतलब कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि मैं 5 मिनट उसके बाद निकला हूँ, पर सर मैं उसको बदरपुर बॉर्डर तक ढूंढता हूँ पर वो मेरे को मिलती नहीं है। ना तो सर उसके पास किराए के पैसे हैं और ना ही उसे घर का एड्रेस, ना गाँव का एड्रेस, कहीं का नहीं पता। शक है किसी के ऊपर कोई लेके गया सर? शक है, एक लड़का फोटो में उसके वीडियो में दिखाई दे रहा है। कौन है वो लड़का? और वो लड़का सर गाजियाबाद का रहने वाला है। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल रहा सर, वो भी उसी दिन घर से निकला है। कौन है वो लड़का? सर यहाँ किराए पे आया था, किसी के रिश्तेदारी में आया था। किसके यहाँ आया था? ऊपर कोई किराएदार रहता सर उसके। तो क्या उससे पूछताछ की? उससे पुलिस वाले ने पूछताछ करी थी सर, पुलिस वाले ने उसको बेकसूर साबित किया कि उस लड़के के पास ऐसा कुछ नहीं है, पर हमें ऐसा लगता कि
कि शायद क्योंकि लड़की के पास ना सर किराए के पैसे हैं और ना ही उसे घर का एड्रेस ना गांव का एड्रेस पता है उसको, हमें लगता है कि बहला फुसला के कोई ले गया। और जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित कसोला चौक समीप एक ट्रक में अचानक आग लग गई जहां पूरी तरह जलकर राख हो गया, और जैसे ही आग लगनी शुरू हुई चालक और क्लीनर ने चलते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। बता दें कि ट्रक में आग लगने के दौरान बारिश भी हो रही थी जिसके कारण यहां आग पर काबू पा लिया गया। और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 12वीं का परिणाम जारी करने वाला है। परिणाम की घोषणा की बात करें तो कल दोपहर 12 बजे की जाएगी। और मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं का नतीजा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। और यहां आंकड़ों के अनुसार करीब 7.5 लाख छात्रों को एमपी बोर्ड 12वीं के परिणाम का इंतजार है। बता दें कि कोविड-19 के कारण मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी, लिहाजा 12वीं का जो रिजल्ट है इंटरनल असेसमेंट पॉलिसी के आधार पर तैयार किया गया है। और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो अपना रोल नंबर तैयार रखे, हालांकि छात्र अपना परिणाम रोल नंबर और नाम और दोनों के अनुसार देख पाएंगे। बोर्ड द्वारा जारी एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया कि बोर्ड कक्षा 12वीं का परिणाम 29 जुलाई 2019 को दोपहर 12 बजे नतीजे घोषित करेगा। आपको ये बता दें कि कक्षा 12वीं का जो परीक्षा परिणाम है और 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा, और छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त सबसे अच्छे 5 अंकों के आधार पर स्कोर दिया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने पहले स्पष्ट किया था कि जो छात्र अपने परिणाम से खुश नहीं है और यानी कि संतुष्ट नहीं है तो वो परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद आयोजित होने वाली विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये भी बता दें कि यहाँ साल 2020 में कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में कुल 8.5 लाख छात्र उपस्थित हुए थे जिनमें से 68.81 पास हुए हैं, और इस साल बोर्ड को पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा पास प्रतिशत प्राप्त करने की उम्मीद है। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने गैंगस्टर सतीश भाऊ चिंटू ठाकुर, शूटर रितेश करूंसिया और मोनू उर्फ सुजीत का महालक्ष्मी नगर में पैदल जुलूस निकाला। और आपको ये बता दें कि भाऊ को उसके महालक्ष्मी नगर स्थित फ्लैट में ले जाकर सर्चिंग भी की गई, और यहां भाऊ को घर ले गए तो आंखें भर आई। तो यहाँ पुलिस ने तलाशी ली और पिस्टल जब्त कर ली है। और आपको ये बता दें कि इस मामले में भाऊ के घर से अयोध्यापुरी कॉलोनी के कुछ प्लॉट धारकों की रसीदें भी मिली हैं। और आपको ये भी बताते चले कि इस मामले में जिस तरीके से ये रसीदें मिली हैं और यहाँ 3 नंबरों से वह किस किस के संपर्क में रहा, फरारी में कौन कौन उसकी मदद कर रहा था, उसकी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली जा रही है। पुलिस उसके बैंक खाते की जानकारी भी ले रही है, और इसने अपने साले बाबू के नाम पर काफ़ी अवैध संपत्ति ले रही थी। इसके बाद सुजीत को सूरजनगर, प्रमोद को रामनगर और रितेश को बंगाली चौराहा ले गई, और पुलिस के अनुसार इनको घरों से हथियारों की जब्ती भी करनी थी। सर आज आरोपियों को गुंडा जुलूस निकाला गया, कहां से निकाला और किस तरह से? ये आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उनका पीआर लिया गया था, पुलिस रिमांड लिया गया था, उसमें पूछताछ की गई उनसे। उनके द्वारा जो घटना में हथियार यूज किए गए थे उसको उनको और ये आएंगे लेंगे छोड़ सब ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उसी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात शिवपुरी की कर लेते हैं। शिवपुरी के किशनपुर और झंडापुर के ग्रामीण दर्जनों भर आदिवासी परिवारों ने अपनी फरियाद एसपी प्रवीण कुमार भूरिया को सुनाई है, और यहां ग्रामीणों का इस मामले में ये कहना है कि बीती 15 जून को गांव के दबंगों द्वारा आदिवासियों की भूमि पर जबरन कब्जा किया गया था। उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट की और झोपड़ी में आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। जो राम निवास गुज्जर हमको मार रहा है, जमीन जबरदस्ती से छुटा रहा है, हमारी सरकारी जमीन है जो उसको गिर रहे हैं, कर खा रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। नहीं हमको कम 20 साल हो गई। अब ये राम निवास पुरानी मगरोनी का गुज्जर है जो जबरदस्ती से छुटा रहा है, मारपीट कर रहा है साहब, जी हाथ भी तोड़ दिया मेरा, हाँ जी हाथ भी टूटा डरा है हमको, 4-5 आदमियों को मारा, 5 आदमियों को। हाँ पुलिस थाने में गई, चौकी नर मगरोनी नहीं सुन रहे, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है अभी, कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं।
सब छूटे फिर रहे हैं। गांव में रह रहे होंगे डर के मारे, गांव से बाहर हो? हम तो गांव से बाहर ही है, उसी जमीन पे डले हैं हम तो उसी पे। रोनी के ग्राम झंडापुरा का प्रकरण है। यहाँ पे कुछ हमारे ट्राइबल्स के महिला पुरुष आए थे, इनके द्वारा कहा गया था इनके साथ जमीन को लेकर कोई विवाद हुआ है, तो इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट तो एसटीएस से प्रकरण आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर लिया गया है, प्रकरण विवेचना में है, परंतु अभी इनके द्वारा बताया गया है कि उनको कुछ धमकाया जा रहा है, तो तत्काल थाना प्रभारी को बताया गया कार्रवाई करके निर्देशित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें कौन कौन सी धारा लगाई सर? इसमें एसटीएस की और मारपीट की धारा। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में विपक्ष की ओर से हो रहे हंगामे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहां कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने मर्यादा को तोड़ा है, समझ में नहीं आता कि विपक्ष चर्चा से मांग कर क्या रहा है। एक और संसद सत्र का इंतजार करती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सभी राजनीतिक दलों के सांसद सदन के अंदर उठाए। आज भी लगभग 18 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर हुए, अलग अलग दलों के सांसदों ने अपने प्रश्नों को रखा भी, लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह से सदन ना चलने के लिए हर संभव प्रयास किया, वो विरोध कर सकते हैं लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़ कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि हम सदन के अंदर चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार अलग अलग विषयों पर चर्चा करती है भी ये। या लेंगे छोड़ से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासी संकट अभी भी बरकरार है, लेकिन पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस में सहमति बनने के बाद अब राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर जो चर्चा है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ अटकलें भी चल रही हैं। इस बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अपने पद पर अब 2-4 दिन ही मेहमान हूँ। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो कब का है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि वीडियो हाल ही का है और यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा एक शख्स से बातचीत कर रहे हैं। सोमवार को आ जाओ, हम तुम्हारा काम कर देंगे, एक मिनट में निकाल देंगे, जितनी कहो, मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ, जो मेरे से कराना है करा लो। माना ये जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में अंदरूनी लड़ाई को सुलझाने में लग गई है और पिछले 1.5 साल की बात करें तो सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत गुट की लड़ाई अब खत्म होने की राह पर है। और खबर ये भी है कि अगस्त 10 को राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार संभव है और यहाँ तब पायलट गुट को संतुष्ट करने का प्रयास रहेगा। मेरे पास 1 घंटे पायलट नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ, हम आता हूँ, 1 मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ तो मेरे से कराना करा। उत्तराखंड की बात कर रहे थे, उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से दूसरे राज्यों के जिलों को गंगा जल बेचा जा रहा है। आपको ये बताते कि अब तक हरिद्वार से दिल्ली और हरियाणा के लिए गंगा जल के 4 टैंकर रवाना हो चुके हैं और वहीं जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मेला नियंत्रण भवन से यमुनानगर जिले के लिए रवाना किए गए गंगा जल के जो टैंकर हैं उनको हरी झंडी दिखाई। लेकिन यहां लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मांग के अनुसार गंगा जल भेजा जा रहा है। कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठन भी गंगा जल भेजने में सहयोग कर रहे हैं। बता दें आपको ये भी कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कांवड़ मेला जो यात्रा है वो रद्द कर दी गई है। स्थगित होने के कारण यहाँ पे जो है हरिद्वार से हम लोग विभिन्न जो बॉर्डर जनपदों हैं यूपी और हरियाणा में जो वहाँ पे हम लोग गंगा जल टैंकर्स के माध्यम से भेज रहे हैं और बॉर्डर्स में भी जो है 10 टैंकर्स जो है पहुँचा रखे हैं और करीब 4 जनपदों में जो है अभी तक गंगा जल जो है टैंकरों के माध्यम से सप्लाई हो चुका है।
फिलहाल ये बॉर्डर्स में जो है काफ़ी डिमांड भी हो रही है और आज ही जो है बताया जा रहा है कि लगभग 40 जो है टैंकर्स जो है टोटली अभी तक भेजा है करके। तो इसी प्रकार का जो है धार्मिक भावनाओं को भी जो है संज्ञान में रखते हुए और कोविड का भी मद्देनज़र रखते हुए गंगा जल जो है वेरियस जगह में पहुँचाया जा रहा है ताकि यहाँ पर हरिद्वार में कांवड़ियों का जो आवागमन जो है। हिमाचल की राजधानी शिमला में बारिश से भारी तबाही हुई और शहर में जगह जगह भूस्खलन होने और पेड़ गिरने से लाखों रुपए की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा है। शहर के पंताघाटी वार्ड के शिव मंदिर के पास भूस्खलन होने से सड़क किनारे खड़ी गाड़ी पर मलबा गिर गया और मौके पर पहुंचे पूर्व डिप्टी मेयर राकेश शर्मा ने बताया कि बड़े पत्थर गिरने से एक कार चकनाचूर हो गई है, दो और गाड़ियों को हल्का नुकसान पहुंचा है और यहां भूस्खलन से यहां बिजली ट्रांसफार्मर को भी खतरा पैदा हुआ है। और यहाँ आपको ये बता दें कि मजियाठ में भी यहाँ जिस तरीके से ज़मीन घुसने पर इस पर पार्क स्कॉर्पियो गाड़ी लटक गई और बाद में इस क्रेन की मदद से निकाला गया। और यहाँ रुल्दू भट्टा वार्ड में भी भूस्खलन होने से मिनी कुफ्टाधार सड़क बंद हो गई और बेन मोर मोदी घाट में धोबी घाट में नाले का मलबा सड़क पर आ गया और जिससे आवाजाही साफ तौर पर बंद हो गई। हमारे पास 5 लोकेशन आई है जहाँ पे ट्री अप्रूव हुआ है इलेक्ट्रिसिटी लाइन पे, उसमें से 3 लोकेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने क्लियर कर लिया और इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो चुकी है। अभी 2 लोकेशन बची, एक बालूगंज में है और एक यहाँ ओक ओवर के पास है, तो इसको भी हम मिलके PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियर करके और रिस्टोर कर देंगे सप्लाई अराउंड 12 बजे। चैलेंजेस तो बहुत है सर, ये नेचुरल डिजास्टर है तो इसको रोका तो जा नहीं सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ असम और मिजोरम के बीच कई दिनों से चल रहा सीमा विवाद का मुद्दा सोमवार को खूनी खेल में बदल गया। इस दौरान दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच जमकर झड़प हुई। बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से कछार जिले में सीमा के पास हुई फायरिंग में असम पुलिस के 5 कर्मियों की मौत हो गई और अब इस पर कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। पीस तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, पीस तो पहले मेंटेन करना। किरण रिजिजू को मैं पूछना चाहता हूँ ये अभी क्यों बोलता है, जब उनको मालूम है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस ब्यूरो को मालूम है ये मिजोरम असम बॉर्डर में ये होने जा रहा है, तनाव आज 2 महीने से चल रहा है, तब उनको पीस मेंटेन करने के लिए तब उनको चिंता नहीं हुआ, अभी ऐसे बोला है। अभी देखिए मैं आज पार्लियामेंट में रूल 267 में मैं नोटिस दिया हूँ जो आज दिन का सारा पार्लियामेंट का कार्यक्रम सस्पेंड करना है और सस्पेंड करके असम और मिजोरम बॉर्डर इशू पार्लियामेंट में डिस्कस करना है, ये मैं एक नोटिस आज दिया हूँ। कल भी मैं दिया था शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस, लेकिन कल चेयरमैन ने अलाउ नहीं किया तो आज मैं दिया हूँ। और आप जो पूछा है जो दोनों स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है, इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट लेवल में होने वाला बात नहीं है, ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसीलिए वो तो दिखाने के लिए किया है, ये तो सिर्फ दिखाने के, पहले भी 9 जुलाई में भी दोनों स्टेट का चीफ सेक्रेटरी को बुला के होम मिनिस्ट्री ने यहाँ में मीटिंग किया था लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो इसीलिए इसका ऊपर हम लोग का भरोसा नहीं है, फिर भी कोशिश करना ठीक है, वो हम इसको विरोध नहीं करेगा, कोशिश करना ठीक है, लेकिन हमको कहना है ये हाईएस्ट लेवल में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का लेवल में ये दोनों चीफ मिनिस्टर को लेके डिस्कस करना है और सारे ओपोजिशन पार्टी को। और भोपाल में गर्भवती महिलाओं को हर दिन टीका लगाने की तैयारियां की जा रही है और इसी हफ्ते इसकी शुरुआत हो जाएगी। गर्भवती महिलाओं की कोरोना का टीका लगवाने के प्रति दिलचस्पी कम है इसलिए व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि भोपाल में 54,000 गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाना है और 2 टीकाकरण दिवसों में सिर्फ 346 महिलाओं ने टीका लगवाया है। और यहाँ आपको ये बता दें कि ये हाल तब है जब आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उन्हें प्रेरित करके ला रही हैं। और हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन संचालक छवि भारद्वाज ने सभी जिलों से कहा था कि वे गर्भवती महिलाओं को रोजाना टीका लगाने के लिए सूत्र आयोजित कर सकते हैं। और यहां आपको ये बता दें कि जिस तरीके से सत्र आयोजित कर सकते हैं लिहाजा अन्य जिले भी अपने हिसाब से टीकाकरण के दिन तय करेंगे और अभी सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का निश्चय किया गया था।
और यहाँ प्रदेश में एक साल के अंदर 20 लाख महिलाएं गर्भवती होती हैं जिन्हें टीका लगाया जाएगा। भोपाल के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र दुबे ने बताया कि मंगलवार को जिले में 165 गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि हर दिन टीकाकरण के दौरान यह भी ध्यान रखा जाएगा कि डोज बेकार ना जाए, इसके लिए 10 महिलाएं इकट्ठा होने पर ही टीका की शीशी खोली जाएगी और उन्हें कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। शासन ने जो है गर्भवती महिलाओं को भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन जरूरी कर दिया है, वो आवश्यक है। पहले इसके बारे में स्टडी नहीं थी तो सावधानी बरती थी, अब इसके बारे में क्लियर हो गए हैं मार्गदर्शन कि इनको भी, जो महिलाएं हैं उनको भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन करना अनिवार्य है। वो उनके बच्चे के लिए भी लाभप्रद रहेगा, महिलाओं के लिए भी लाभप्रद रहेगा और प्रसव में भी उससे आसानी होगी। उसके यदि कोई इन्फेक्शन उनको होता है बाय द वे कोविड का, तो बहुत उनको सुरक्षा रहेगी, एंटीबॉडी बन जाएगी, उनको तकलीफ नहीं होगी। ये प्रति मंगलवार और शुक्रवार फिक्स कर दिया है, प्रति मंगलवार और प्रति शुक्रवार को चरक में गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाएंगे। टीके के लिए पहले उनको समझाइश दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है, हमारी जो सिस्टर्स हैं काउंसलर हैं उनको समझाती हैं क्या है, कैसे लगेगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उनकी जांच तो रेगुलर महिलाओं की होती रहती है, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, सब जांचें रहती हैं। उसके बाद में हमारा वैक्सीनेशन सेंटर रहता है, वहाँ गर्भवती महिला जाती है और उसको वैक्सीन लगाया जाता है। उसके बाद में उसको आधा घंटे के लिए बाहर वेटिंग एरिया में बिठाते हैं और ये देखते हैं कि किसी को इसका कोई दुष्प्रभाव या कोई दूसरी चीज़ तो नहीं हो रही है, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग रहता है, सबकी इम्यूनिटी अलग रहती है, सबका रिस्पॉन्स अलग रहता है, इसलिए उनको बिठाना। गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा और यहाँ टीकाकरण बढ़ाने के लिए भी खास तौर पर यत्न किए जा रहे हैं, खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से टीकाकरण की कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी गर्भवती महिलाओं को और यहाँ जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन सभी को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। MP के भोपाल की बात कर रहे हैं हम, जहाँ मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा और कोवैक्सीन की हर डोज दी जाएगी, पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। सबसे पहले पहली डोज उन्हें प्रदान की जाएगी और उसके बाद दूसरी डोज समय के अनुसार दी जाएगी। मध्य प्रदेश में टीकाकरण के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन के और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी पूरी तमाम तैयारियां की गई हैं और यहां आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, यहां जिस तरीके से महिलाओं को टीकाकरण किया भी जा रहा है, कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है ताकि इन महिलाओं को कोई भी आगे जाकर प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।